हैदर अली के अधीन महत्वपूर्ण मैसूर राज्य का उदय हुआ, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। दूसरा, 1761 में उसने नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया और मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। 18वीं सदी के मध्य में मैसूर राज्य हैदर अली के नेतृत्व में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में एक रूप में उभरा। हालांकि 18वीं सदी की शुरुआत में मैसूर की वास्तविक सत्ता नंजराज और देवराज नाम के दो मंत्रियों के हाथ में थी, जिनके राजा चिक्का कृष्णराज केवल कठपुतली मात्र थे। अशिक्षित हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक सैनिक के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन उसके परिश्रम, लगन और चालाकी ने उसे सेना में उच्च पद तक पहुंचा दिया। उसने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। उसने युद्ध में उलझे कमजोर और विभाजित मैसूर सत्ता पर 1761 में कब्जा कर लिया और मंत्री नंजराज को सत्ता से अलग कर दिया। हैदर अली ने मैसूर में मुगल शासन प्रणाली और राजस्व व्यवस्था भी लागू किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।